For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. Well, हम आपको Star Plus के शो नामकरण की तो रोजाना अपडेट देते ही हैं, लेकिन आज कुछ खास लेकर आए हैं हम नामकरण के फैंस के लिए, इसलिए ये खबर जाननी आपके लिए बेहद ही खास है। तो अब सुनिए, सबसे पहले तो ये कि क्या हुआ पिछले एपिसोड में, जिसमें आपने देखा कि खन्ना हाउस में सभी दिवाली मना रहे होते हैं। अपनी मिष्टी को बोलती है कि वो जूही के साथ जाकर रंगोली बना रहे, लेकिन मिष्टी जाकर सो जाती है क्योंकि उसको बोल देती है जूही को कि वो नींद आ रही है उसको। लेकिन जैसे ही नील और अवनी जाते हैं तो वो झट से खड़ी हो जाती है और उनके साथ दिवाली मनाने के लिए चली जाती है। ये देख जूही काफ़ी चिढ़ती है। वहीं विद्युत भेजता है जूही को कोरियर, जिसमें मिष्टी की डीएनए रिपोर्ट्स होती हैं, और जैसे ही जूही वो देखती है तो किसी और को देखने से पहले ही वो उनको जलाकर बना देती है राग। उधर नील भी जेल में जाता है रागिनी पंडित के पास, जहां वो उसे बोलता है कि उसका आज शाम तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका बेटा आज शाम तक उसे बाहर निकलवा लेगा। अब आने वाले एपिसोड की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि अब विद्युत को तो ये पता चल ही चुका है कि नील जूही के मरने के फालतू नाटक कर रहा था और वह फैलाई थी मीडिया में उसने ऐसे ही। इसीलिए अब विद्युत चुपचाप से मीडिया को सच्चाई बताकर नील को रंगे हाथों पकड़वा देगा। जहां खन्ना हाउस के सभी लोग जा रहे होंगे तो इतने में ही मीडिया आकर नील को घेर लेगी और उसे सवाल पूछने लग जाएगी जूही को लेकर। अब जाने से पहले पहुंच जाइए हमारे होम पेज पर और दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन, ताकि हमारी रेगुलर अपडेट्स आप सभी तक पहुंचती रहें। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।